नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गाउसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल का फाइल वर्क करेंगे। इसमें आज हम केवल यही जानेंगे कि किस प्रकार से रीडिंग लेनी है, यानी इसका केवल बेसिक जान रहे हैं और फाइल वर्क कर रहे हैं। अन्य प्रैक्टिकल वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर दें और मैं नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाता रहता हूं। इसका हमारा ऑब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिकल बोर्ड द्वारा गाउसियन वितरण नियम का सत्यापन करना। इसमें उपकरण स्टैटिस्टिकल बोर्ड और 40 गोटियां जो कि तीन तरफ से रंगीन में घनाकार होती हैं, इसका प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या रहता है वो समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा स्टैटिस्टिकल बोर्ड है, हमारे पास दो हाथ में जैसे 40 गोटियां, उनको हम उछालेंगे या किसी डिब्बे में लेकर उछालेंगे तो हम काउंट करेंगे कि हमारी रंगीन गोटियां कितनी आ रही हैं। फिर रंगीन गोटियों को हम इस प्रेक्षण सारणी में लिख लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर उछालने का नंबर रहता है, यानी यहाँ पर हम गोटी को 100 टाइम्स उछालते हैं, 100 बार उछालते हैं, तो उसमें ये इस प्रकार से हम उनको नोट करते हैं। जैसे मैंने पहली बार उछाला तो मेरी रंगीन कितनी आई, 21 आई। दूसरी बार, तीसरी बार, इस प्रकार से 10वीं बार उछाला तो 19, 11वीं बार 20। इस प्रकार से ये हम सारणी बना के कुल 100 टाइम करते हैं। जैसे 100वीं बार उछाला तो मेरी 19 आई। उसके बाद बारी आती है हमारे फॉर्मूलों की। फॉर्मूले में हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, एक औसमान, एक मानक विचलन, एक प्रायिकता। अब औसमान मानक विचलन की गणना हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा ये गाउसियन नियम है उसमें हमें औसमान और मानक विचलन की जरूरत पड़ती है। गाउसियन नियम हमारी प्रायिकता को दर्शाता है। इससे पहले हम औसमान को देख लेते हैं। औसमान को हम ए से दर्शाते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल के लिए यह फॉर्मूला होता है, जहाँ पर एन दिस ओके और प्रैक्टिकल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, जहाँ पर ये दिस और समेशन ऑफ एफ आई कुल उछालों की संख्या। मानक विचलन थ्योरेटिकल के लिए होता है और प्रैक्टिकल के लिए ये होता है, जहाँ पर एन हमारी गोटियों की संख्या, पी प्रायिकता, और यह वैल्यू हम कहाँ से प्राप्त करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। इन वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए हम बनाते हैं ये टैली टेबल। यानी यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि हम टैली टेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें टैली टेबल के द्वारा हम हमारी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल के लिए मानक विचलन और औसत मान ज्ञात करते हैं उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर टैली टेबल बनाने से पहले हम समझ लेते हैं आर आई क्या है। आर आई है हमारे रंगीन पासों की संख्या, यानी रंगीन पास 13, 14, 15, इस प्रकार से रंगीन पासों के नंबर आने की संख्या अलग रहे। और एफ आई है बारंबारता। पास से मैं फेंकता हूँ, 100 टाइम फेंकता हूँ तो उसमें 14 बार रंगीन पासे आने की संख्या कितनी है उसको एफ आई दर्शाता है। जैसे हम यहाँ पर गणना करेंगे कि 14 या 15 कितनी बार आ रहा है। जैसे 15 मैं यहाँ पर गिनूंगा तो 15 मेरा आ रहा आएगा 4 बार। ओके, तो इस प्रकार से मैं अलग अलग गिन के लिख दूंगा। फिर 16 के लिए लिख दूंगा, 17 के लिए, 17 मेरा कितनी बार आएगा मैं गिनूंगा तो 9 बार। फिर हम आर आई का स्क्वायर करते हैं क्योंकि ये हमें जरूरत है इसकी, और एफ आई आर आई का मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों का। जैसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम यहाँ पर, जैसे अलग अलग इनके मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे 17 × 9, इस प्रकार से ये जैसे 17 × 9 करवाए तो 153 आया। इस प्रकार से हम यह जो मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों का यहाँ लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं हम एफ आई आर आई को मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम ये इतनी प्रोसेस पूरी करने के बाद हम करते हैं इनका योग, जिसको हम कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई आर आई। अब समेशन ऑफ एफ आई आर आई का यूज हमारा कहाँ होता है, हमारे फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में, वो है हमारा मानक विचलन, जैसे सॉरी जो है हमारा औसमान। औसमान में हमारा प्रैक्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्रैक्टिकल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई आर आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास यहाँ से कितना आता है 100, और ये समेशन ऑफ एफ आई आर आई कितना आता है 1985। फिर इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है ए प्रैक्टिकल आता है हमारा 1985। ओके, ये समझ आ गया, औसमान ज्ञात कर लिया। उसके बाद मानक विचलन, मानक विचलन जैसे ये थ्योरेटिकल के लिए यह हो गया, प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई आर आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। जैसे हम समेशन ऑफ एफ आई आर आई का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, स्क्वायर कर ही देते हैं
ये आ गया, ओके ये आ गया 39 40 225। ओके सॉरी बटन लग गया, तो यहाँ से ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है और इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आता है ये मानक विचलन प्रैक्टिकल इज इक्वल टू दिस 2.76। फिर बात आती है हमारे गाउसियन नियम की, तो गाउसियन नियम में हम क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जैसे हमारी गणना का ये तरीका रहता, वैसे गणना तो आपको करनी आती है, सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आर आर आई इज इक्वल टू ये इस प्रकार से क्रम वाइज बढ़ते हैं। फिर ये जैसे हमने इसके लिए प्रायिकता के लिए ये गणनाएं कर ली, वैसे आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होगा वहाँ से आप इसको देख लें। अब एक और टेबल बनाते हैं हम इसकी, उस टेबल में हम आर आई 13 के लिए हमारी प्रायिकता कितनी है ये इस प्रकार से इसके लिए लिख लेते हैं। ओके जैसे 13 के लिए या 14 के लिए कहो या किसके लिए कहो, तो इसके किसके लिए एक मिनट या सभी इसके लिए कहो एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअल में आर आई प्लस माइनस, यानी 20 में से आप 6 घटाओगे कितना आएगा 14 आएगा, 20 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 26 आएगा, यानी जो 14 है उसके लिए और 26 है उसके लिए हमारी प्रायिकता सेम आएगी। यह हमारे किससे आती है, इस गाउसियन नियम से। ओके इसीलिए हम यहाँ पर आर आई ए प्लस माइनस 1 आर आई ए प्लस माइनस 2, यानी वो उसके माइनस में भी बराबर आएगी और प्लस में भी बराबर आएगी, ये इसकी गाउसियन नियम की खास बात है। अब बात आती है हमारे इसके ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ हम बनाते हैं। एक तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने ये एक टेबल बनाई थी जिसमें हमारी जो प्रायिकता आई थी उनको हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 100 मल्टीप्लाई विथ प्रायिकता, तो ये वैल्यू आई। तो इसके लिए हम बनाएंगे ये इस वाई एक्सिस पर लेंगे हम एफ आई आर एफ आई एंड 100 इंटू पी आई, और यहाँ पर लेंगे हम आर आई एक्स एक्सिस पर। ओके अब जैसे ग्राफ बना देते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के लिए, अभी जैसे पहले हम केवल थ्योरेटिकल की ही बात करेंगे, तो थ्योरेटिकल में हमने इन दोनों के मध्य इस और इसके मध्य ये पॉइंट डिनोट कर दिए। अब ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, ये हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। उसके बाद हम स्टैटिकल बोर्ड से जो रीडिंग प्राप्त हुई है उसके लिए प्रैक्टिकल ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इस प्रकार से हमारे पास आ गया गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। ओके तो यहाँ पर ये सबसे जैसे अधिकतम प्रायिकता है, तो ये यहाँ पर जैसे इसका प्रायिकता जैसे यहाँ पर गोटिंग संख्या आदि कहाँ पर है 20 पर है, तो यहाँ पर हमारी जैसे सबसे ज़्यादा प्रायिकता आ रही है, यानी सबसे ज़्यादा बार ये 20 नंबर आने की संख्या को डिनोट कर रहा है। अब जैसे प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकल में हम किस किस के मध्य डिनोट करेंगे, इन दोनों के मध्य डिनोट करेंगे, तो आओ उनको देखें। अब जैसे प्रैक्टिकल की ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे 15 है तो 15 कहाँ पर आया हुआ, यहाँ पर 15 कितनी बार है 4 बार। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20 की, तो 20 कितनी बार है 13 बार, तो इस प्रकार से ये है जो ग्राफ डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल में ग्राफ बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर खाने बनाते हैं, जैसे ये जहाँ जहाँ आया हुआ इस प्रकार से हम जिगजैग करते जाएंगे यहाँ पर। ओके ये इस प्रकार से ये एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो सीढ़ियाँ बना देंगे, है ना, जहाँ जहाँ वैल्यू जा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, सीढ़ियाँ बनाने का तरीका क्या रहता है कि हम यहाँ से लाइन ऐसे खींचते, फिर इनको ऐसे मिला देंगे, इनको ऐसे, ये मतलब सही रहेगा। वो हमारा डाटा को हम कहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ से नीचे से करें, तो यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे 15x4 है, तो इसको जैसे हमने ऐसे कर देना है, फिर हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे, जैसे ये यहाँ तक लाइन आई इसको ऐसे मिला देंगे। जैसे 16 पर हमारा कितना है, 16 पर है हमारा 5 कहाँ है, ये 5 आया हुआ है यहाँ पर, इसको है जो ऐसे मिला देंगे। फिर आगे 17 पर जैसे हमारा आया हुआ है 9, तो इसको मिला देंगे। जैसे दोस्तों इसको मैंने सर्च किया लेकिन ये मुझे मिला नहीं, अब मुझे जितना आ रहा है मैंने जैसे वर्क किया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ,
इसमें किसी भी प्रकार से आपको गलती लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लें, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि ये इस प्रकार से है। देखो सीढ़ियाँ बन रही होंगी इस प्रकार से, दिख देखते हैं इनको हम थोड़ा रंगीन कर देंगे फिर, ताकि ये थोड़ा भिन्न लगे। इस प्रकार से ये हमारा किसका ग्राफ बनेगा, थ्योरेटिकल का, सॉरी प्रैक्टिकल का ग्राफ बनेगा। जैसे ये हमारा प्रैक्टिकल का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो गया, जहाँ पर हमने इस प्रकार से ये सीढ़ियाँ बना दी। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा इसका प्रैक्टिकल वक्तव्य। और यहाँ से हमें क्या प्रूव होता है कि हमारा गाउसियन नियम है जो स्टैटिस्टिकल बोर्ड के द्वारा सत्यापित होता है फाइल वर्क में। जैसे ये हम इस प्रकार से इसको फाइल वर्क में यदि करना चाहे तो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हम गणनाएं करेंगे इस प्रकार से। ये प्रश्न सारणी बनाने का हमारा यह तरीका रहेगा। ओके, ये गणना करने का तरीका यह रहेगा, और ये रंगीन पासों की संख्या का तरीका ये इसका ये रहेगा। फिर हम इसे यहाँ से ज्ञात करेंगे, ये रीडिंग उससे अलग है, वो ध्यान रखना ये रीडिंग वो नहीं, वो रीडिंग सही थी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसीलिए मैंने ये आपको शेयर नहीं करके वो शेयर की। इस प्रकार से यहाँ पे ये गणना करने का तरीका यह रहता है। ओके, जैसे गणना कैसे करनी, वैसे हमने देखा, जैसे इस एक के लिए हम गणना करके चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है जैसे 0.12 0.1262। ये किसकी वैल्यू आ गई थी हमारे यहाँ, ये पहले इसकी वैल्यू आ गई थी हम जब ने कन्वर्ट किया, तो ये तो हमारे एक की कुछ हो रहा था क्योंकि ये जीरो था, e^0। यहाँ से हमारे पास आया 0.1262 आया था। अब यहाँ से कर लेते हैं इसकी वैल्यू के लिए, सॉरी हाँ इसकी वैल्यू के लिए, जैसे ताकि हम अच्छे से समझ आ जाए, मल्टीप्लाई विथ e^-cos(0.05) मल्टीप्लाई विथ, ये किसके लिए करें, इसके लिए। जैसे हमने इसकी अलग से भी वैल्यू निकाली थी, क्योंकि ये जो हमारा आ रहा है e^0 में, ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो वो आ गई हमारी 0.05 आ गई थी। तो मल्टीप्लाई में एक्चुअली चेंज केवल किसका हो रहा है, एक्स का ही चेंज हो रहा है, ये ऊपर की वैल्यू केवल इसका चेंज हो रहा है, बाकी ये भी सेम रह रही है, ये भी सेम रह रही है। तो हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया कि ये आया हमारे पास 0.05 आ गया, बस इसका चेंज हो रहा है, इसको हम चेंज करते हुए लिख रहे हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 36 है पोस्टर, तो हमारा यहाँ से आ जाता है ये कितना आया, एक मिनट, हाँ सही, तो ये आ गया हमारा 0.0208, जो कि यहाँ आया 0.0208 आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ गणना करने का तरीका रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, माय सेल्फ सुरेंद्र किलेरी, सपोर्ट योर ब्रदर, थैंक यू। हमारे चैनल पर विजिट करके आप अन्य प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हो।